मम्मी तो की। जाते हैं संडे को, आज हमारा स्कूल अच्छा होता है। इवनिंग का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट कर दिया आप लोगों के साथ में। और अभी पूजा की है, अभी कहीं गई थी तो मैंने सोचा आने के बाद थोड़ा सा ठीक से दिख रही हूँ तो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और संध्या कर ली मैंने अपनी, और मैं सोची छत पे जाती हूँ, दो चार राउंड लगाती हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद छत पे जा रही हूँ, फिर हम मोटर बंद करके जाते हैं, बार बार आना पड़ेगा तो मोटर बंद करके आ गई। तो आज काफ़ी दिन बाद छत पे जाऊँगी, अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और किचन में ना ऐसे मत बोलो, उसके दो दिन बाद आपको फिर फेड में। ये बात तो ठीक है, सारी किचन क्लीन है वैसे। और ये कुकर में मैंने ना दलिया फ्राई करके रख दिया है, सीटी विटी कुछ नहीं लगाई, तो आके बस मुझे सीटियाँ ही लगानी रहेंगी। तो मैं हमेशा ये ट्रिक अपनाती हूँ, क्योंकि ऊपर से जब आती हूँ तो कभी देर कर लेती हूँ आने में, है ना, कभी जल्दी भी आ जाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा ये लगता है कि लेट कर लिया खाने में। तो आते ही सबसे पहले गैस ऑन कर दूँगी और हो जाएगा, है ना। घूमने का जो मज़ा है ना दोस्तों, वो एक अलग ही होता है। मतलब मैं सोचती हूँ जो सिटी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनको छत पे घूमने का मज़ा नहीं मिलता होगा। अपनी छत पे घूमो फिरो कुछ भी करो, सांस फूल जाती है। देखो चांद निकल आया इधर, कितना सुंदर दिख रहा है। और ब्लू कुर्ती पहनी थी तो सोचा चलो ब्लू कलर की थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जो चूड़ियाँ कम पहनते तो हम लोग जैसे भूल ही जाते हैं, कड़े तो पहनते हैं लेकिन जो चूड़ियाँ पहनने का मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है, खनखन खनखन, है ना। तो मैं सोची हूँ दो चार राउंड लगाती हूँ, कैमरा रखती हूँ, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करती हूँ, अपनी फिटनेस को वापस लाती हूँ फिर से। बस थोड़ा सा वॉक कर लेंगे हम लोग छत पे। और ये जो वीडियो एडिट है हॉस्पिटल से आने के बाद कर रही हूँ, मतलब आप समझो कि मैंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे क्लिप्स एडिट की, वहीं पे म्यूजिक डाला, आते ही तुरंत सबसे पहले इसमें वॉइस ओवर किया और तब मैं इसको अपलोड करूंगी। मतलब बहुत डिफिकल्ट तो हो जाता है, मैं आपको बताऊँ, सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना, लेकिन जो करना है वो तो करना ही आपका काम है। तो और हॉस्पिटल गए थे आज हम, उसके बाद आने के बाद मैं ये कर रही हूँ। और मैं आपको बता ही रही थी जैसे 5 साल से इस बीमारी को झेला है हस्बैंड ने, तो बहुत टफ टाइम रहा, बहुत मुश्किल समय हम लोगों ने देखा। 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है दोस्तों, जब आप बीमार होते हो ना तो एक महीने में ऐसा लगता है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितने कमजोर हो गए, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आप समझो 5 साल एक सदी होती है, मतलब दिक्कत का समय, बहुत बड़ा समय, बहुत मुश्किलों वाला समय हमने देखा, कैसे कैसे उसको मैनेज किया बस हम लोग ही जानते हैं। और आज कुछ टेस्ट कराए, उसकी रिपोर्ट कैसी आई है वो आपके साथ शेयर करूंगी। मंडे और मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ हॉस्पिटल के लिए हस्बैंड के साथ में। मैंने आपको बताया था रेगुलर कुछ चेकअप होते हैं, और डॉक्टर पहले 15 डेज पे बुला रहे थे, बट इस बार उन्होंने 10 डेज पे बुलाया, कुछ टैक लेवल चेक करना होता है। कल मैं लाइव थी तो बहुत सारे दोस्त पूछ भी रहे थे टैक लेवल कितना है उनका, तो टैक का ही टेस्ट होना है आज हस्बैंड का ना, और उसी से आपका क्रिएटिनिन लेवल अप डाउन होता है। देखो आज टेस्ट की रिपोर्ट कैसी आती है, मैं आपको तो शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, मतलब जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो वो खासकर शेयर करती हूँ जानबूझ के। कुछ लोगों को अजीब लगता होगा लेकिन इसी चीज़ से ना कुछ लोगों को बहुत हेल्प मिलती होगी, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए भी ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कल लाइव भी मैं इसीलिए आई थी दोस्तों, है ना। और ये कुर्ती कल पहन रखी थी, इवनिंग में कहीं गई थी तो मैंने सोचा ये पहनी हुई पड़ी है, हॉस्पिटल से आने के बाद में वो कपड़े ना फिर मैं वॉश ही कर देती हूँ, तो मैंने सोचा यही अभी। और आज मैं अभी नहा के भी नहीं आई, जाने के बाद नहाऊंगी, क्योंकि हॉस्पिटल से जाने के बाद ही नहा लो तो ठीक रहता है ना, थोड़ा सा हाइजीन भी ठीक रहता है। और मैंने आपको बताया कि हमेशा 2 बार आना पड़ता है, मॉर्निंग में टेस्ट कराना होता है और फिर उसके बाद फिर से आना होता है, क्योंकि फिर से आके फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट कलेक्ट करनी होती है, डॉक्टर को दिखानी होती है, फिर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या करना है कैसे करना है, बस यही। देखो हॉस्पिटल जा रही हूँ, टेस्ट होंगे आज, कैसी रिपोर्ट्स आती हैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। और आपके यहाँ जिसका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, होने वाला है, तो आपके जो एक्सपीरियंस हैं या फिर आपकी जो क्वेरीज हैं प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, और मैं टाइम टू टाइम उन सबका आंसर देती हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट डालिएगा, आपको आंसर मिलेगा।
क्योंकि अगर हम किसी की इस तरह से उसके सवाल का जवाब दे के हेल्प दे कर सकते हैं ना, तो आई थिंक करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से पूछती रहती थी कि क्या होता है, कैसे होता है, उससे हमारा एक पता है, इधर उधर के लोग हमें बहुत सारी बातें बताते, तो ये करना चाहिए वो नहीं, लेकिन एग्जैक्टली ठीक चीजें वही बता सकते हैं जिन्होंने उस चीज को फेस किया हो। आप मानोगे इस बात को? तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, कैसा रहता है। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, लाइफ है, उतार चढ़ाव आते हैं। आज दिक्कतें हैं, कल को जिंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे, खुशियां भी आएंगी लौट के। तो बस दोस्तों, दोनों हस्बैंड वाइफ निकल पड़ते हैं। सुबह होते ही जिस दिन डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, थोड़ी चिंताएं भी होती हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट कैसी आएंगी, कैसे सब कुछ चलेगा। पिछली बार मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि हस्बैंड का क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा अप हुआ था, उससे बहुत टेंशन सी हो गई थी मुझे भी और हस्बैंड को, आंखों में आंसू आ जाते हैं एकदम कि इतना झेलने के बाद भी अगर ऊपर नीचे हो रिपोर्ट तो बहुत टेंशन होती है। तो बस आज यही सोचते हुए जा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं कि बस क्रिएटिनिन लेवल किसी तरह से डाउन आ गया हो। तो देखते हैं क्या रहता है, आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट में। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा दोस्तों, और जिंदगी यही है यार, यही जिंदगी है। जिंदगी भाग रही है, हम जिंदगी पीछे भाग रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है तो आप समझ नहीं सकते यार, इंसान कितना टूट जाता है, बहुत टूट जाता है इंसान। और ये 5 साल हमने कैसे झेले, कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया, बस ये हम ही जानते हैं दोस्तों। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल चीज़ है, किडनी की बीमारी बहुत मुश्किल है, डायलिसिस बहुत मुश्किल चीज़ है। ये डायलिसिस नाम की जो बुरी बला जब जीवन में आ जाती है ना, इंसान को तोड़ देती है। एक टाइम ऐसा था कि कभी ये टूटते थे, ये बिखरते थे, मैं समेटती थी, मैं टूटती थी, मैं बिखरती थी, ये समेटते थे, एक दूसरे को समझाते थे। कभी कभी मैं बिल्कुल होपलेस हो जाती थी, रोने लगती थी, मुझे समझाते थे। तो हॉस्पिटल में आ गए हम लोग, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दे दिया, यूरिन टेस्ट भी हुआ आज, आज टैक लेबल भी हुआ है हस्बैंड का। कल एक फ्रेंड पूछ रहे थे लाइव में टैक लेबल के बारे में, चेंज की और वो भी नाश्ता, तो नाश्ते में दही और पराठा खाएंगे वही दही, और दोपहर में गोभी बनाऊंगी गर्म पानी में कट करके, उसको भिगो दिया है दोनों ने पानी में, नमक वाले ना, तो उसको भी नहीं बनाऊंगी, फिर लेट हो जाएगा। आटा में लगा के रखी गई थी, तो उसका फ़ायदा यह है कि अब जल्दी जल्दी पराठे बना लूँगी, बच्चों को नाश्ता कराऊंगी, तो बस उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और बच्चों की शैतानियों की आवाज़ आ रही है पीछे से, आप प्लीज़ इग्नोर करना उसको। तो बस मैं जब मॉर्निंग में गई थी ना, मैं आपको बताती हूँ, 2 टाइम्स जाना पड़ता है, तो मैं आटा लगा के चली गई थी, थोड़ी दही जमी हुई रखी थी, तो बस दही से रोटी खाएंगे आज लोग हम लोग नाश्ते में, और गोभी की सब्जी ना बनाऊंगी लंच के लिए, गोभी और दही का रायता बना लूंगी, दही रखी हुई है। तो बस आटा लगा के जाने का यही फायदा होगा कि जल्दी से कपड़े चेंज किए और किचन में आ गई, और आते ही मैंने सबसे पहले ना ये मक्खन निकाल दिया, जब बैठी आके जल्दी से बैठ के निकाल दिया था उसमें, फिर इसमें से मक्खन निकाल दिया, तो ये निकल गया है, तो मैं घी भी पलट दूंगी। तो देखो आते आते मतलब हम लोगों की स्पीड बहुत बढ़ जाती है लेडीज की काम करने की, और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प किया, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने किया, कि अगर मैं आटा लगा रही हूँ तो वो सब्जी थोड़ा सा कटवा देते हैं, है ना, और अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो वो मक्खन इतना गैस पे रख देते हैं बनने के लिए, तो ये छोटी छोटी हेल्प भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको लगता है कि आपका सपोर्ट कर रहा है कोई, काम करने में मजा आता है। तो ये घी भी बन गया मेरा, देखो स्पीड कितनी हो जाती है, अभी लगभग 9 o'clock हो रहे हैं सुबह के, घी भी बन गया, हॉस्पिटल भी हो आए, नाश्ते की तैयारी भी पूरी है, लंच की भी पूरी तैयारी है। तो हस्बैंड खड़े हुए हैं, बस कह रहे हैं मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी, मैंने कहा नहीं बस आप नाश्ता करना। तो ये होता है जीवन साथी दोस्तों, आप अगर परेशानी में हो, देखो उनकी दिक्कत उनकी नहीं थी, वो मेरी थी, और जो मेरी परेशानी है घर का काम मैनेज करना, वो मेरी अकेली की नहीं है, हम दोनों की है, हम दोनों मिलके संभालते हैं अपने घर को, अपने बच्चों को, और जिंदगी भर हमें इसी तरह लड़ना है इस बीमारी से, तभी हम लड़ पाएंगे। जिसने भी एक दूसरे के साथ छोड़ दिया या फिर जो हल्का पड़ गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाएंगे। पति पत्नी का साथ बहुत ज़रूरी होता है, और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो आपकी परेशानियों को, आपके दुख को समझे ना, तो आप समझो आपका जीवन सफल है आजकल के टाइम में। क्योंकि आजकल के टाइम में सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं बस खुश नसीब हूँ मुझे ऐसे जीवन साथी मिले जो इन चीज़ों को समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ, बस हम दोनों का ये प्यार है, यही हमें जीने की उम्मीद बनाता है दोस्तों। और दोस्तों अभी सब्जी फ्राई करूंगी, तो उसके लगा लेती हूँ ट्राईपॉड, फिर ट्राईपॉड से सेट करके फिर बनाती रहूंगी, हाथ में लेके करूंगी बहुत लेट हो जाऊंगी, फिर से हॉस्पिटल जाना है मुझको, और ट्राईपॉड बहुत काम करता है, और अभी पता है काम करने की स्पीड भी काफी बन गई है, टीवी की आवाज़ आती रहती है सक्षम के, अभी काम करने की स्पीड भी काफ़ी बन गई है,
क्योंकि पहले तो ना मतलब देखो आपको मैं बताती हूँ, 4-5 साल हो गए सब झेलते झेलते, सब करते करते तो इंसान को आदत हो जाती है। पहले बहुत लगता था अभी डायलिसिस पे जाना है, हस्बैंड को मुझे ये करना होगा ये करना होगा ये करना होगा, और अभी मैं वही शिप रहा हूँ कि सब चीज़ों को बड़े आराम से मैनेज कर लेती हूँ। अभी आगे आके नाश्ता करा है, नाश्ता कराने के तुरंत पहले सब्जी कट कर, हाँ मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं इसमें, उन्होंने सब्जी कट की, मैंने उसको गर्म पानी में नमक के पानी में डिप करके थोड़े गर्म पानी में रख दिया जिससे जो भी उसके जम्स हो वो मर जाए सारे। उसके बाद में जल्दी जल्दी घी निकाला, घी बिल्कुल पक गया रखा गया, और बस अभी लंच की तैयारी कर दूंगी। तो अभी लंच बनाऊंगी तो उससे ये फायदा रहेगा, आके सिर्फ रोटियां बनानी होंगी, दही जमा दी है दोपहर के लिए, स्वीट बन जाती है, चलो ट्राईपॉड लगाते हैं और सब्जी बनाते हैं। और बस गैस ऑन कर लूंगी, गैस को बाद में एक ही बार साफ करूंगी, मॉर्निंग में जब स्टार्ट किया था ना चाय वगैरह तब साफ की थी, तो अभी बार बार नहीं करूंगी, बस जब पूरा लंच के लिए सब्जी वगैरह बना दूंगी तब एक ही बार करूंगी। और बस कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने गैस पे, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, आप लोगों को पता ही है मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और ज़्यादातर स्टील की कढ़ाई में ही बनाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, बट मेरे पास ना स्टील की एक ही कढ़ाई है और तो जितना मैनेज हो पाता है उतना मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि कुछ बड़ा या ज़्यादा बना रहे हैं तो मुझे कभी कभी अल्मोनियम वाली भी अभी यूज़ करनी पड़ती है, तो मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को चेंज करूंगी घर में, लेकिन बर्डन इतना हो जाता है सब चीज़ों का नहीं हो पाता, फिर भी बहुत बहुत संभल के चलती हूँ घर को, बहुत संभाल के चलती हूँ अपने, है ना, कि मेरे घर में हर चीज़ बनी रहे, किसी चीज़ की दिक्कत ना रहे। लेकिन होता है, देखो लाइफ का एक फेज़ होता है, जब ये फेज़ निकल जाएगा और सब कुछ सेट हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी सरसों का तेल थोड़ा सा पका लिया, इसमें जीरा डाला, हींग डाला, प्याज डाला, और मैं आज आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, और आलू गोभी की सब्जी मेरे घर में बहुत टाइम बाद बन रही है, एक दो बार मैंने पूछी थी, लेकिन आलू गोभी ना गोभी बहुत महंगी हो रही थी तो मैंने ली नहीं थी कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा ना नहीं ली, मैंने कहा थोड़ी सी और सस्ती हो जाए जब लूंगी, तो अब तो बहुत अच्छे रेट हो रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रही है, तो फिर मैंने ली आज ही आलू गोभी बनाऊंगी मैं घर में। सूखी सब्जी ना अच्छी लगती है दही के साथ में कभी कभी, वैसे लंच में मैं अधिकतर दालें बना लेती हूँ, रायता वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले मैं सोचती थी कि ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ ये सब्जी, लेकिन फिर मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में अगर मैं सब्जी बनाऊंगी फिर लंच के लिए कुछ और बनाऊंगी, तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट में दही और पराठा खा लेते हैं और दोपहर को ये सब्जी और रायता काम आ जाएगा, है ना। तो मैंने सही दिमाग चलाया ना, आप लोग बताना आप लोग भी करते हो क्या ऐसे। तो अभी लगभग हो रहे होंगे 10:30 दोस्तों, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, दही पराठा, और मैं ये सब्जी फ्राई करके बना के और आटा वगैरह सब लगा के जाऊंगी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे फिर से जाना है, हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट आ जाएंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना है सब कुछ कैसा चल रहा है। हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ, हरी मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर और नमक ही डाला है सब्जी में और प्याज, इसी से ये काफ़ी अच्छी बन जाएगी, स्वाद बन जाएगी, है ना। गरम मसाला मैं मतलब आप ये ब्लैक पेपर मैंने पीस के रखा है, डॉक्टर ने अच्छा बताया कि ब्लैक पेपर अच्छा होता है, ये तो शुरू से ही बता रखा है। गरम मसाला वगैरह मैं कम ही डालती हूँ सब्जियों में, हाँ कभी कोई ओकेजनली बना रही हूँ, कोई फंक्शन है तभी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ना ही डालूँ अब क्योंकि हमेशा ही हमें लाइट खाना फॉलो करना है, तो उसकी शुरुआत हमने तो 5 साल पहले ही कर दी थी, रियलिटी तो ये है। तो चलिए दोस्तों, जो टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप मुझे पूरा प्यार दोगे पहले की तरह और सपोर्ट दोगे, और प्लीज़ 10K पूरा करवाओ दोस्तों जल्दी जल्दी दिवाली से पहले पहले, मुझे किसी चीज़ की तो खुशी मिले ना, मैं किसी चीज़ से तो खुश हूँ, लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए, मुझे अच्छी फीलिंग्स आएँ, तो आपके घर में जो फैमिली मेम्बर हैं